हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्यानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो स्नेक का एंटी विनम होता है, मतलब कि सांप के काटने पर जो दवा का इंजेक्शन लगता है, वो दवा कैसे बनाई जाती है। ये बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी थी और अपन जानेंगे इसके बारे में बहुत आसान भाषा में, सब कुछ समझ जाएंगे आप। तो वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सांप का जो काटना होता है, बहुत ज़्यादा जहर से बात है, जहरीला जहर होता है और आदमी की जान जा सकती है, इसलिए कभी भी झाड़ फूंक के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और जो सांप के काटने पर एंटी विनम सीरम लगाए जाते हैं, ये अभी तो पॉली वेरियंट आ रहे हैं, मतलब कि किसी भी सांप ने काटा हो आपको एक ही एंटी विनम लगेगा और आपको आराम मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था, अलग अलग एंटी विनम्स आते थे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग सांप होते हैं, उनका अलग अलग जहर होता है और अलग अलग तरह से वो मारने का काम करता है। उदाहरण के लिए माना जाए तो कोबरा जो सांप होता है, उसके अंदर जो जहर होता है उसे बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, मतलब कि आपके नर्वस सिस्टम को जाकर अटैक करता है। वहीं पे बाइपर जो स्नेक होता है उसे बोलते हैं होमोटॉक्सिन्स, मतलब कि हीमोग्लोबिन को जाकर अफेक्ट करता है, आपके ब्लड पर जाकर काम करता है। सो खैर, इस तरह से अलग अलग एंटी सीरम्स बनाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर यह दिक्कत आती थी कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सांप ने काटा है। अगर जिस सांप ने काटा वो एंटी वेनम नहीं लगाया गया तो आदमी की जान चली जाती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्नैक्स के जहर को इकट्ठा करके एक पॉली वेरियंट एंटी वेनम सीरम बनाया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बनते कैसे हैं। देखो, सांप का जहर को मारने वाली दवा कोई अलग से नहीं आती है, सांप के जहर से ही बनती है। जो आप देखते हैं एम्पूल के अंदर दवा भरी होती है, वो सांप का जहर ही होता है एक प्रकार से, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरह से होता है। आप जानते हैं कि भाई आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब घुसता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। वैक्सीन्स कुछ इस तरह से ही काम करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारे शरीर में। लेकिन जब सांप का जहर आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा और आपकी जब तक मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, किसी की भी मृत्यु हो जाती है जिसको स्नेक बाइट होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे जो सांप होता है, पहले उसको पकड़ के उसके दांतों में से जहर को निकाला जाता है। जहर को निकाल कर ये सेंट्रल या सेंटर लेबोरेटरीज या रिसर्च सेंटर्स को भेजा जाता है इस जहर को, ठीक है ना। और इसी जहर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेड़ और घोड़े, जो हॉर्स और शीप होते हैं, इनको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावीनियस। अब ये जो घोड़े होते हैं और जो भेड़ें होती हैं, इनके बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं कि उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है। इसलिए जगह जगह पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी हैं, इंडिया में पेटा है, ये कई बार इस पर जो है इसका विरोध करते हैं कि भाई इस तरह से दवाइयाँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन तरीका एक ही है कि भाई आप जहर को घोड़े की बॉडी में इंजेक्ट कर दें और 6-7 महीने तक कंटिन्यू धीरे धीरे इंजेक्ट करते हैं, तब जाकर 6-7 महीने में घोड़े के अंदर या भेड़ के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और फिर उनका ब्लड को निकाल के उनका ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसी प्लाज्मा में से जो होता है सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके अंदर होती हैं क्या, एंटीबॉडीज, और जो कि किसी भी तरह का स्नैक बाइट हो उस पर ये काम करती हैं। यही एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में एंटर कर दी जाती हैं, इसलिए पेशेंट को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रखना होता है, देखना होता है कि भाई एंटीबॉडीज काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। सो जो इंजेक्शन होता है, आप बोलते हैं इंजेक्शन, उसको फ्रिज में रखा जाता है और ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री लगता है और ऑल ओवर इंडिया में ये अवेलेबल होता है। तो कभी भी झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एंटी वेनम सीरम, ठीक है, जो कि इस तरह से बनता है। इसमें कई जानवरों की जान जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक ही तरीका है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे किस तरह से सांप के काटने वाला इंजेक्शन बनाया जाता है। सो वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे दूसरे चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ से जाकर उसको भी चेक कर लें, और वो भी अच्छा लगता है तो उनको भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।